हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है गाइस, हम सब भी फिलहाल ठीक है, आप सब की दुआएं। तो गाइस आज अपनी दादी व्लॉग स्टार्ट करेगी। हाय बोल दे। हाय बोल रहे। हाय हाय। तो गाइस कल अपनों ने पानी रखा था, वो पानी ले लेते हैं कल रात का, मतलब रात। हाँ बस वही लेने जा रहा हूँ अभी। दो सामान रखे थे, एक कड़ाई रखी थी और एक टपली रखी थी। यहाँ से तो नहीं ले सकते, यहाँ से ऊपर जाके फिर ले लेते हैं। पानी तो दोनों में अच्छे वाला भर गया है तो उसको ले लेते अब नीचे। कल तो पानी नहीं था, आज तो फूलम फूल पानी है। अभी तो नहीं पी रहा पानी, थोड़ी देर से पिएंगे। अभी यहाँ पर रख देते, घर में लाइट ही नहीं है। लाइट तो कल की ही नहीं है, कल के हम परेशान हैं। अभी तो मम्मी यहाँ पर गेहूँ साफ कर रही है और सोएब अपना और पलंग पर लेटा है। अभी तो 9:30 हो रहे हैं, देखते हैं जो लाइट नहीं आएगी फिर अड़गुड़ अपने बड़े पापा के घर पे जाएंगे, वहाँ पर जाके चार्जिंग रख देंगे मोबाइल का। लाइट नहीं है तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कल रात से लाइट नहीं है, कल रात से अपना हालत ख़राब हो गया है। सही ठीक है, पहले लोग कैसे रहते होंगे, मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले लाइट ही नहीं थी तो कैसे रहते होंगे सब। हल्की हल्की अभी बारिश स्टार्ट हुई है। अपने बाड़े का हाल तो देखो बारिश की वजह से, वहाँ पर जाके देखते हैं वहाँ पर से कैसा नज़ारा आता है। यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा आता है, अपने घर के सामने एक खेत है और खेत पूरा हरा भरा है और वैसे फॉरेन जैसा यहाँ पर लग रहा है क्योंकि सूरज आया नहीं है और बादल बारिश के भर के आ गया है। आज भी लगता है कि मुझे कल जैसी बारिश गिरने वाली है, कल बहुत अच्छी वाली बारिश गिरी है, सबको फायदा होने वाला है। देखो खेत में पानी पानी है। अपनी पूरी लाइन में सबसे बड़ा नीम का पेड़ अपने घर पे ही है, वहाँ पर एक है पर छोटे वाला है, अपने घर पे ही बड़ा वाला है और इधर पे है ही नहीं है कहीं पर भी नीम का पेड़, सबसे बड़ा वाला नीम का पेड़। सिर्फ 10% चार्जिंग है मोबाइल में, मोबाइल को भी रख देते, लाइट आएगी तब चार्ज कर लेंगे वरना तो मोबाइल अपना स्विच ऑफ ही हो जाएगा। 12 बज के और अपना खाने का टाइम हो गया। आज मम्मी ने बना के दिया हमको, आज मम्मी ने खीमा बनाया और साथ में रोटी। अंधेरे में आज खाना पड़ेगा। कल रात की लाइट गई पर अभी तक आई नहीं है लाइट, चार्जिंग भी हो गया, अपने हरकुर जाके चार्जिंग किया है। वैसे तो यहाँ से उजाला रहे इसीलिए काम चल रहा है। अभी 2 बजकर अभी लाइट आई है, अच्छा है। सोएब क्या करेगा, मोबाइल तो उसका चार्जिंग में, मेरा तो चार्ज था क्योंकि हरकुर जाके करा के आया। थोड़ी देर हुई लाइट हुए और यहाँ से एकदम से बारिश स्टार्ट हुई है। दुआ करते कि लाइट जाए नहीं अब, क्योंकि कल से लाइट थी नहीं, अभी आई है 2 बजे। अभी तक मैं नहा भी नहीं, सोचते नहा भी लूँ बारिश में। पहले खाने में मजा नहीं आया, अब नहा धोके एकदम फ्रेश होके खाने बैठा हूँ। अभी तो सब यहाँ पर ही है, उसका भी मोबाइल चार्ज हो गया, लाइट आ गई है तो अभी तो 3 बज गए। बारिश तो लगातार गिरी जा रही है, मम्मी का काम पता नहीं है, उनका भी नहीं पता, यहाँ पर कपड़े ही कपड़े हैं, सूखे नहीं रहे बारिश की वजह से। अंदर भी बारिश में नहाने के लिए आ गए, देखो वो भी चला। और घर पे बैठ के अपने गाइस करने का भी क्या, अभी तो मैं वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ, 4:30 होने वाला है। घर में ऐसे बैठ के बस पबजी खेली है सोएब के साथ मैंने पूरा दोपहर को, अब जाके मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, फिर शाम को देखते हैं रनिंग करने के लिए जाएंगे। बहुत बारिश गिरेगी तो कीचड़ बहुत हो जाता है रास्ते पर, पानी भी इतना ज़्यादा होता है ना, अब रनिंग भी नहीं कर सकते, तो देखते हैं शाम को इधर पर जाते हैं, जो ठीक होगा तो जाएंगे वरना घर पर ही रहेंगे पूरे, मतलब पूरा शाम घर पर ही रहेंगे। पानी पीने के लिए मैंने वहाँ पर तपेली रखी है, जाके लिया थे। अब पानी अभी तक भरा ही नहीं है, थोड़ा ही भरा है। और गाइस जो कल वाला पानी था वो पूरी रात पर पत्थरों पे ही रहा था, इसलिए पापा ने मुझे मना कर दिया कि तू पानी वो मत पी क्योंकि पर कैट वगैरह वहाँ से गुजरती है, तो उन्होंने मुंह मार दिया हो, तो इसीलिए पापा ने मुझे नहीं बोला कि उसका पानी मत पी, तो मैंने डाल दिया। अब ये पानी भराएगा तो मैं ये ले लूँगा और गर्म करके फिर पीने वाला हूँ, बहुत अच्छा बारिश का पानी है। ऊपर से लिया है अपने पानी, मस्त वाला पानी है, तो इसको पहले गाल लेते हैं फिर इसको गर्म करके फिर पीते हैं। इसमें गाल लेते हैं तपेली में ही। पानी हो गया एकदम गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करने का। तो गाइस फर्स्ट बार अपने ट्राई कर दिया बारिश का पानी, कल अपने ट्राई नहीं किया, मैंने आपको बताया पहले कि पापा ने हमको मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर पूरी रात वहाँ पर पानी रहा था पत्थरों पे, तो इसीलिए वहाँ पर मतलब वहाँ पर पापा ऐसा बोल रहे थे कि बिल्ली ने मुंह लगाया हो कुछ भी आके गया हो तो तुझको पता नहीं है, हमको भी नहीं पता, इसीलिए तू अभी रख दे और भर रहा है पानी तो तू पी ले। और पानी पीते एकदम बढ़िया वाला, देखते कैसा लगता है, बैठ के पानी पीते और 3 सांस में पानी पीने का, 3 सांस मतलब देख लो आप।
ऐसे 3 सांस में आपको पानी पीना है, बहुत अच्छे वाला, और बैठ के पानी पीना है। बैठ के पीने के बहुत फायदे हैं, बहुत मतलब बहुत फायदे हैं। आपके किडनी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका शरीर एकदम फिट रहेगा। और आप ऐसे ऐसे ही खड़े खड़े ऐसे पानी पीते हो ना, ऐसे एकदम खड़े खड़े, तो जब पानी आप जैसे पीते हो वैसे डायरेक्ट अपने आतेड़ों में आपको इफेक्ट आता है, एकदम से पानी ऐसे आता है अंदर सीधे। आपको ट्राई करना तो एकदम ठंडा पानी लेने का, पीने का, तो ठंडा पानी जैसे एकदम सीधे यहीं चला आता है, और आप बैठ के पानी पिए विटामिन से तो एकदम अच्छा फायदा रहेगा। उससे कुछ नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि बैठ के पानी पीने में बहुत फायदा है। तो इसीलिए आप पानी पियो, तो जब भी पियो खड़े रह के नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है और 3 सांस में पानी पीना है। बहुत अच्छा लगा बारिश का पानी, बहुत 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 बढ़िया वाला पानी था। अभी ट्राई करना। अभी तो यहाँ पर सब पानी पानी है, और यहाँ पर तो सब कीचड़ ही कीचड़ है। देखते हैं आज रनिंग करने जाते कि नहीं जाते, मौसम वैसे ही खराब ही है। फाइनली गाइस, अभी अपने सोने का टाइम हो चुका है, क्योंकि रात के 10 बज के अपने जल्दी सो जाते। वैसे आपको पता ही है आज अपने व्लॉग शूट कर नहीं पाए। मैंने आपको बोला था कि मैं जाऊंगा रनिंग करने के लिए जो बारिश नहीं होगी, पर बारिश में भी मैं रनिंग करने गया था। वहां पर अपने भट्टे में मैं और शकलन आया था, और अपना फैजान भी आया था साथ में। तो रनिंग करके फिर घर पे आए, खाना खाया, नमाज पढ़ी, वो सब उसमें टाइम चला गया अपना। अभी तो रात के 10 बज गए, तो सोने का टाइम हो चुका है, इसलिए अपने इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग में गाइस, ठीक है। आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, तो जो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग में। अभी के लिए फिलहाल गुड बाय मेरे दोस्तों, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।